ओके बेटा, बच्चों आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ रिवीजन लेक्चर में। आज मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फिर आज का जो पहला फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस किया वो था जी एटॉमिक साइज। सो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। अब अगर आपके पास सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर करें, हम पूछें कि किसकी अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, तो आप बोलोगे जी पोटेशियम, क्योंकि साइज उसका बड़ा है। तो जितना न्यूक्लियस से दूरी होती जाती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की, उतना ज़्यादा वो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से, और उतनी एनर्जी कम लगती है। तो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर सेकंड केस मैंने आपको बताया जी स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना दूर आप ऑर्बिटल से जाते रहते हो, जितनी ज़्यादा शेल्स ऐड होती रहती हैं, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही इजी होगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना बड़ा साइज एटम का बढ़ता रहेगा उतना इजी होता रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना, और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। और नेक्स्ट में बेटा न्यूक्लियर चार्ज आ गया। तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना ज़्यादा प्रोटॉन का नंबर होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन। इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा आप प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियस होता रहेगा, उतना उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिखाई आपको पूरी है, मैंने बताया कि सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है और अमोनियम 2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी लो लगेगी सोडियम में, हाई लगेगी पोटेशियम में, अल्यूमिनियम में, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। तो आपके पास जब भी कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो आती हैं जिनमें से हमको बताना होता है किसमें ज़्यादा लगेगी किसमें कम लगेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वहाँ पे आप प्रोटॉन का नंबर देख लेना। जिसका प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 12 प्रोटॉन है, नियॉन में 10 प्रोटॉन है, तो किसमें ज़्यादा ईजी है निकालना, नियॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है, विच इज़ डिफ़िकल्ट। सो एंड डील, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो ये आज का लेक्चर था, टेक केयर।